For the latest update, press the subscribe button and hit the bell icon. Assalamu alaikum, I'm Zoha Sohail. I'm a lecturer at Rashidi Medical College and a clinical nutritionist at Arjun Memorial Hospital. Aaj hum baat karenge fasting state mein, roze ki halat mein hamari body ka immune system, hamara defense system kis tarah se behtar hota hai. To isme sabse pehli baat to ye aa jati hai ki jab hum fasting state mein hote hain, jab hum roza rakhte hain, to hamari body glucose ko istemal karne ke baad foran se fats ka istemal karna shuru kar deti hai. To ye jo shift hai jisme glucose se body fat ki taraf shift ho rahi hoti hai, to is shift ke dauran hamari body un stem cells प्रोडक्शन को बढ़ा देती है जो हमारी कुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं. इसके अलावा फास्टिंग स्टेट में हमारी बॉडी के वो इम्यून सेल्स जो या तो इनएक्टिव हो जाते हैं या जो बिल्कुल काम करने की एबिलिटी ख़त्म कर देते हैं, बॉडी उनकी रीजनरेशन की तरफ आती है. वो इम्यून सेल्स जो थोड़ी सी इनएक्टिव हो रहे होते हैं, बॉडी उनको दोबारा से रीजनरेट करती है ताकि उनकी एक्टिविटी दोबारा से बूस्टअप हो जाए. और वो इम्यून सेल्स जो बिल्कुल ख़राब हो चुके होते हैं, जो किसी भी किस्म की एक्टिविटी करने की हिम्मत नहीं रखते, बॉडी उनको हमारे अंदर से डिफ्यूज आउट करती है. तो इस तरह से हमारा इम्यून सिस्टम फास्टिंग स्टेट के अंदर दोबारा से रीन्यू होता है, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें. और इसके अलावा जिस तरह से आजकल ये बात बहुत ज्यादा हो रही है कि ओल्डर सिटीजन्स में, जो लोग ओल्डर एज में आ जाते हैं, उनमें कोरोना वायरस का रिस्क बहुत ज्यादा है. तो उनका रिस्क इसी वजह से उन लोगों में ज्यादा होता है क्योंकि जैसे आपकी एज बढ़ती है, उसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर कुछ एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन कम हो रही होती है. तो अगर ओल्डर एज के लोग अपने कंसल्टेंट के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग रोजा रखते हैं, तो उनके लिए बहुत बेहतरीन है क्योंकि इस टाइम पे उनकी कुव्वत मुदाफियत का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है. ये तो एक नेचुरल तरीका है कि जिस तरीके से फास्टिंग स्टेट में हमारी बॉडी इम्यूनिटी को बढ़ाती है, लेकिन इस टाइम पर जहाँ पर कोरोना वायरस एक पेंडेमिक बन चुका है, हमारी इम्यूनिटी का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है. तो कोशिश करें कि ऐसी गजा का इस्तेमाल करें जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाए. उसमें सबसे पहले हमारे पास वो चीज़ें आ जाती हैं जो प्रोटीन बेस्ड हैं, जिसमें गोश्त है हमारे पास, दालें हमारे पास, जिसमें दूध या दूध से बनी हुई अशियाँ हैं. इसके अलावा विटामिन सी हमारे पास एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारी कुव्वत मुदाफियत को, हमारी इम्यूनिटी को बहुत अच्छे तरीके से बढ़ाते हैं. तो कोशिश करें उन फलों का इस्तेमाल करें जिनमें विटामिन सी बहुत रिच अमाउंट में मौजूद है. जिस तरह से स्ट्रॉबेरीज अवेलेबल है हमारे पास, एप्रिकॉट आ जाएगी, फर्दर ऑन लीची आ रही है, तो ये ऐसे फल हैं जिसमें विटामिन सी बहुत अच्छी अमाउंट में है. इसके अलावा विटामिन ई हमारे पास एक बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, तो कोशिश करें कि विटामिन ई का इस्तेमाल भी अपने खुराक में रखें ताकि आपकी बॉडी जो है वो नेचुरल वे में, हेल्दी वे में अपने डिफेंस सिस्टम को इम्प्रूव कर दी जाए. इसके अलावा उन चीजों से परहेज करें जो आपके इम्यून सिस्टम को खराब कर सकती है. अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें. इसमें हर वो चीज़ जो रिफाइंड है, जो वाइट फ्लावर है, आपका वाइट शुगर है, ये टोटली रिफाइंड प्रोडक्ट्स हैं. तो इनका जितना आप इस्तेमाल करेंगे उतना आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है. इसके अलावा ट्रांस फैट्स का इस्तेमाल, यानी कि ऐसे फैट्स जिनको बार बार फ्राइंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उनसे परहेज करें क्योंकि वो भी हमारी इम्यूनिटी को ख़राब कर रहे होते हैं. इसके साथ साथ जितनी हमारी सोडा ड्रिंक्स हैं, ऐसी चीज़ें जिसमें बहुत ज़्यादा सोडा बेवरेजेस हैं, कोला ड्रिंक्स हैं, उनके इस्तेमाल से परहेज करें क्योंकि ये सब चीज़ें हमारी इम्यूनिटी को नुकसान पहुंचा रही होती हैं. तो इस वक्त मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि रमज़ान के महीने में फास्टिंग के थ्रू भी अपनी इम्यूनिटी को बेहतर बनाया जा सकता है, और साथ ही साथ अपनी डाइट के अंदर ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्टअप करें ताकि बेहतर तरीके से इन सब चीज़ों से रिकवर कर सकें.